सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 6, जहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं एप्लीकेशंस क्या है। मेयरमेंट ऑफ स्मॉल ईएमएफ, यानी कि कितनी ईएमएफ मेयर कर सकता है, अप टू 2 वोल्ट। मेयरमेंट ऑफ हाई ईएमएफ, हाई ईएमएफ की कितनी रेंज है, अप टू 250 वोल्ट। तो ये आप लोग एमसीयू के लिए भी याद रखें कि पोटेंशियोमीटर जो है वो 2 वोल्ट से 250 वोल्ट तक ईएमएफ को मेयर कर सकता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज कंपेयर कर सकता है ईएमएफ को। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन ईएमएफ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर है। सो ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप लोगों ने लर्न करना है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। ऑल हायर पोटेंशियल्स मीन्स हम लोगों को पता है कि सेल्स और बैटरीज के दो पोटेंशियल्स हैं, हायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाई एंड लो। सो जो हाई पोटेंशियल है उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए, यानी कि जो हमारे पास जो हम लोगों ने फिगर यहाँ पे स्टडी की उसमें एल और एम पॉइंट्स हैं। सो उसे हम लोगों ने कनेक्ट करना है पॉइंट ए से। लोअर पोटेंशियल को हमारे पास जो पॉइंट है उसे हम लोगों ने कनेक्ट करना है पॉइंट बी से, या फिर जो स्लाइडर है जिसे हम लोगों ने जो कि भी कहा है, जहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट है एन, ठीक है, या फिर हम लोग पॉइंट एन से कनेक्ट करेंगे या फिर हम लोग उसे स्लाइडर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ नोन पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन अननोन। एक सेल की ई एम एफ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नोन होगी, सेकेंड सेल को की ई एम एफ अननोन होगी। सो नोन ई एम एफ की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए अननोन ई एम एफ से। और जो डायमीटर है पोटेंशियोमीटर की वायर का, जो मैंगनीन कॉन्स्टेंटन वायर है उसके जो डायमीटर है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डायमीटर सेम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी, हम लोग को दोबारा बार बार मेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है ई एक्स इज ग्रेटर देन ई। ई एक्स मीन्स अननोन ई एम एफ, अगर ग्रेटर होगी ई एम एफ ऑफ नोन, जो हमारे पास बैटरी है उसकी जो नोन ई एम एफ है, यानी कि अननोन ई एम एफ अगर ग्रेटर है नोन ई एम एफ। सो गैल्वेनोमीटर जो करंट शो करेगा, जो डिफ्लेक्शन होगी वो एक डायरेक्शन में होगी। मीन्स कि हम लोग अगर स्लाइडर जो है वो वायर पे किसी एक ऐसा पॉइंट पे जो है वो कनेक्ट हो जाती है जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, मीन्स कि हमारे पास करंट वहाँ पे फ्लो करेगी, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो किसी गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। सो अगेन अगर हमारे पास स्लाइडर जो है वो कनेक्ट एक ऐसे पॉइंट पे हो जाए कि हमारे पास जो सेल है जिसकी ईएमएफ अननोन है उसकी वैल्यू जो हो लेस देन हो नॉन ईएमएफ से, तो करंट की डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बट अगर नॉन एंड अननोन ईएमएफ जो है दोनों सेम हो जाते हैं, मीन्स कि हम लोग उस स्लाइडर को मूव कर रहे हैं और वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे जाकर अटैच हो रहा है एल एम के उस वायर पे, एक ऐसे पॉइंट पे जाकर अटैच हो रहा है जहाँ पे हमारे पास दोनों की ई एम एफ जो है, दोनों बैटरीज की जो ई एम एफ है वो सेम हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन कह सकते हैं, नल डिफ्लेक्शन पोजिशन कह सकते हैं, और उस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ, क्लियर, जो कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल भी है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद। सो लास्ट पे स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, तो इसे आप लोगों ने रीड आउट करना है, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है और इन्हें याद रखना है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, देन डिस्कस विद मी, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।